Hello friends, in today's video we will discuss which one is better for a student, GATE or IES. Okay, after 12th when student chooses engineering as a career option, then after 1 or 2 years mein use realize ho jata hai ki private jobs jo hai is sector mein wo bahut less hai, aur agar hai bhi to salary bahut less hai. Okay, aur jo private job hai wo maximum इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर से. ओके, सो अगर कोई गुड रेपुटेड जॉब या गुड कैरियर अचीव करना है सो उसे गेट और आईएएस की तरफ ही जाना होगा. ओके, सो स्टूडेंट जब ये डिसाइड कर लेता है कि उसे गेट और आईएएस की तरफ मूव करना है, गेट और आईएएस की स्टडी करनी है, ठीक है, तो उसके सामने एक क्वेश्चन हमेशा होता है कि वेदर वो गेट चूज करे कि वो आईएएस चूज करे या वो दोनों की तरफ मूव करे. ओके, गेट एक ऑप्शन हो जाएगा आपका, एक ऑप्शन हो जाएगा आपका आईईएस, और एक ऑप्शन होता है कि बोथ गेट एंड आईईएस दोनों की प्रिपरेशन वो एक साथ करे. ओके, सो ये तीन ऑप्शन हर एक स्टूडेंट के सामने अवेलेबल रहते हैं. कुछ स्टूडेंट ये चीज सेकेंड ईयर में ही समझ जाते हैं, कुछ थर्ड ईयर में और कुछ फोर्थ ईयर में, लेकिन ये डायलेमा हमेशा बना रहता है कि वेदर टू गो फॉर गेट और वेदर टू गो फॉर आईएएस. ओके, सो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस स्टूडेंट के लिए कौन सा एग्जाम ज्यादा बेटर है. कुछ स्टूडेंट्स के लिए गेट ज्यादा बेटर होगा, कुछ स्टूडेंट्स के लिए आईएएस ज्यादा बेटर होगा, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो दोनों एग्जाम एक ही साथ क्रैक कर सकते हैं. ओके, सो अगर हम सबसे पहले गेट को डिस्कस करें तो गेट एग्जाम है क्या. गेट एग्जाम का अगर मैं सबसे पहले पैटर्न डिस्कस करूं, एग्जाम पैटर्न, ओके, सो गेट एग्जाम जो है आपका वो 100 मार्क्स का होता है आपका, और उन 100 मार्क्स में आपके 65 क्वेश्चंस होते हैं. ओके, इन 65 क्वेश्चंस में आपके जो 35 क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं आपके 2 मार्क्स के, एंड जो आपके रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं आपके 1 मार्क्स के. ओके, सो ये आपका ब्रीफ पैटर्न होता है गेट का. टोटल आपके 100 मार्क्स होंगे, 65 क्वेश्चन होंगे, 35 क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के होते हैं, एंड 30 क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के होते हैं. अगर मैं 65 क्वेश्चन को फिर से डिवाइड करूं तो इन 65 क्वेश्चंस में आपके 10 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके होते हैं नॉन टेक्निकल पार्ट से, दैट इज इंग्लिश प्लस एप्टीट्यूड. ओके, जो आपके 10 क्वेश्चन और होते हैं वो होते हैं आपके मैथमेटिक्स से, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. ओके, और जो आपके रिमेनिंग जो 45 क्वेश्चन होते हैं आपके वो होते हैं आपके प्योर टेक्निकल, टेक्निकल बैकग्राउंड कोई भी ब्रांच हो, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके प्योर टेक्निकल बैकग्राउंड से होंगे रिमेनिंग 45 क्वेश्चंस. सो ये टोटल आपका 65 क्वेश्चंस इस तरह से डिवाइड होते हैं. नाउ इन 65 क्वेश्चंस को अगर मैं एक और बार डिवाइड करूं, सो इन 65 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आपके होंगे जो मल्टीपल चॉइस होंगे आपके एमसीक्यूज, एंड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप होंगे. ओके, सो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपको क्वेश्चन में 4 ऑप्शन गिवन होंगे, आपको एक राइट ऑप्शन चूज करना होगा. न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्या होते हैं आपके, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आपको फिल इन द ब्लैंक्स, आपको कोई ऑप्शन नहीं गिवन होगा, आपको अपना आंसर कैलकुलेट करना होगा और ब्लैंक में आपको फिल करना होगा, आपको आंसर अपना पुट करना होगा, दैट्स इट. ओके, अगर मैं इन 65 क्वेश्चंस को अब एक बार और डिवाइड करूं, सो इन 65 क्वेश्चंस में से जो आपके आप बोल सकते हैं 50% क्वेश्चंस जो आपके होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि आपको वहां पर लॉजिक भी अप्लाई करना होता है, आपको वहां पर कैलकुलेशन भी बहुत सारा करना होता है. जैसे कि कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स का मिक्सचर होगा, आपको उन सारे कंसेप्ट को समझते हुए उस क्वेश्चंस को पहले 30-40 सेकंड में अंडरस्टैंड करना होगा, मतलब आपको पहले लॉजिक लगाना होगा कि आपको क्या अप्रोच फॉलो करनी है, उसके बाद फिर आपको कैलकुलेशन करना होगा. तो ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत टफ हो जाते हैं, ठीक है ना. कंसेप्ट आपके पास होंगे हर एक सब्जेक्ट के, बट उन्हें मिक्स करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना
ये अपने आप में एक टास्क होता है, एक टफर टास्क होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 50% वो होते हैं लॉजिकल प्लस कैलकुलेशन बोथ। रिमेनिंग जो आपके 25% क्वेश्चंस होते हैं इसमें से, वो प्योर लॉजिक बेस पे होते हैं। अगर आपने लॉजिक क्रैक कर लिया क्वेश्चन का, अगर आप क्वेश्चन को समझ गए स्टेटमेंट पढ़ के, तो कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होता, आप बहुत स्पीड से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और जो रिमेनिंग जो 25% क्वेश्चन होते हैं, वो जनरली फॉर्मुला बेस, सिर्फ कैलकुलेशन बेस होते हैं। अगर आपको फॉर्मुला पता है, अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है, तो आप उसको अचीव कर पाएंगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो ये 65 जो आपके क्वेश्चंस हैं, ये इस तरह से डिवाइड होते हैं, एमसीक्यू, नेट, लॉजिकल वर्सेस कैलकुलेशन, और आप कह सकते हैं नंबर ऑफ मार्क्स के टर्म में आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन, आप डिवाइड कर सकते हैं इंजीनियरिंग प्लस एप्टीट्यूड के टर्म्स में, ठीक है ना, आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके एप्टीट्यूड से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस तरह से आपके डिविजन होते हैं। ये होता है आपका कंप्लीट एग्जाम पैटर्न। बट आपको ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि एग्जाम सिर्फ आपका एक ही होता है, 3 आवर्स का होता है। उस एग्जाम में अगर आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया तो यू विल गेट अ गुड रैंक, कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं होता आपके पास गेट के एग्जाम में। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जब मैं आईएएस का डिस्कशन करूंगा तब आपको ये चीज क्लियर होगी कि वहां पर आपके पास एक से ज्यादा चांस होंगे, लेकिन यहां पर अगर आपने एक ही एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ठीक है ना, गेट के एग्जाम में क्वालिफाई होने से कुछ नहीं होता। अगर आपको कोई अच्छा कैरियर ऑप्शन चाहिए तो आपको बहुत अच्छा रैंक अचीव करना होगा, जो मैं आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट गेट के एग्जाम में डिस्कस करना है, दैट इज प्रिपरेशन। आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी होती है गेट के एग्जाम की। ओके, तो प्रिपरेशन के लिए गेट के एग्जाम में अगर आप सब्जेक्ट्स की बात करें, अगर मैं सभी ब्रांचों का एवरेज ले लूं, तो आपके 8 to 10 आपके टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, ओके, और आपके एक आपका मैथमेटिक्स होगा, मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट, और आपका होता है एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश, ओके। सो ये सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करने होते हैं गेट के एग्जाम्स के लिए। जहां तक सवाल है एप्टीट्यूड और इंग्लिश की, उसके लिए कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं चाहिए, जो आप शुरू से सीखते आए हैं लोअर क्लासेस में उसी का आप यूज कर सकते हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, बट स्पेशल अटेंशन नहीं चाहिए एप्टीट्यूड और इंग्लिश को। मैथ्स, आप जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में, वही इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है, उससे बहुत कम होता है एक्चुअल में। अगर आप सही नोट से या सही बुक से अगर आप स्टडी करते हैं तो इसमें आप मार्क्स अचीव कर सकते हैं। जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें ही आपको डीप कंसेप्ट पढ़ने होते हैं, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी होती है, मेजर जो मार्क्स हैं वो भी इसी पोर्शन से आते हैं आपके टेक्निकल पोर्शन से, ठीक है। तो अगर मैं सिलेबस वाइज कंपेयर करूं, जब मैं आईएएस का सिलेबस डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि सिलेबस गेट का कम है एज कंपेयर टू आईएएस। बट अगर मैं डिफिकल्टी लेवल वाइज कंपेयर करूं तो गेट में जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया, वो बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होता है उनमें, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको 1-1, 2-2 पेजेस भी सॉल्व करने पड़ते हैं, उसके बाद आपको आंसर मिलता है। आप ये कभी मत समझिएगा कि गेट का जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो सिर्फ मल्टीपल चॉइस होते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, तो हम डायरेक्ट फिल कर देंगे या डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर देंगे। नहीं, आप जब एक क्वेश्चन अप्रोच करते हैं तो पहले आपको उसे समझना होता है, उसमें आपका टाइम लगता है, उसके बाद आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है 2-3 मिनट्स में, जो कि एक बहुत ही चमेंटस टास्क है आपके सामने, क्योंकि एक क्वेश्चन को समझना और उसे पूरा सॉल्व करना, फिर उसका आंसर पुट करना, वो भी सिर्फ 2-3 मिनट्स में, क्योंकि टाइम तो सिर्फ 3 आवर्स ही है आपके पास। ओके, सो गेट का क्वेश्चन टफ होता है आपके लिए, ठीक है। तो गेट की प्रिपरेशन जब आप करते हैं, तो गेट की प्रिपरेशन करते समय सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले आप कंसेप्ट समझिए, थ्योरी समझिए, थ्योरी को समझने के बाद उसे ज्यादा याद नहीं करना है, रटना नहीं है आपको थ्योरी। फॉर्मुलेस नो डाउट आपको याद रखने होंगे, लेकिन वो भी प्रैक्टिस के साथ अपने आप याद हो जाते हैं। लेकिन आपको मेन जो फोकस रखना है वो क्वेश्चन सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। गेट के एग्जाम में कई बार क्या होता है, जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, आप 90% सही कर गए, लेकिन लास्ट स्टेप में आपने 2.5 × 2 को जल्दबाजी में 4 लिख दिया, या 3 × 5 को जल्दबाजी में आपने 18 लिख दिया। ऐसी माइनर मिस्टेक होती है एग्जाम प्रेशर में, तो वो एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आपका आंसर वहां पे गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप एक्यूरेट हैं तभी आपका गेट में अच्छा मार्क्स आएगा। तो उसके लिए एक्यूरेसी कैसे आएगी? एक्यूरेसी आएगी आपकी प्रिपरेशन से। आप जब क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, आप जब बहुत सारे टेस्ट देंगे गेट एग्जाम में जाने से पहले, गेट एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप लगातार टेस्ट देते रहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, टफ टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। गेट के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, कंसेप्ट पहले पढ़िए, कंसेप्ट क्लियर करिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, दैट्स इट, ठीक है ना। इसमें आपको बहुत ज्यादा वाइड रेंज ऑफ थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सारी बुक्स रिफर करने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चंस के लिए बुक रिफर कर सकते हैं, बट थ्योरीज के लिए आपके पास अगर प्रॉपर नोट्स आपने बना लिए हैं, हो सकता है आपने कोचिंग से नोट बनाए हो, हो सकता है आपने सेल्फ प्रिपरेशन से प्रॉपर नोट्स बना लिए हो, तो कंसेप्ट के लिए वो मोर देन इनफ होते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चंस है वो आपके हाथ में है, आप जितने चाहे उतने लगाइए, जितनी चाहे उतनी टेस्ट सीरीज आप दीजिए, ओके। सो गेट की प्रिपरेशन आपकी यही होती है। स्पीड, अगर मैं बात करूं गेट की प्रिपरेशन की, तो क्या क्या चाहिए हमें? एक चाहिए स्पीड और एक चाहिए एक्यूरेसी, एक चाहिए आपका लॉजिकल माइंड, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको चाहिए। अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर लिए हैं, आप समझते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है, तो ये तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए, ओके। नाउ अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करूं गेट में, तो कैरियर ऑप्शन, कैरियर ऑप्शन आपके क्या क्या हो सकते हैं अगर आपने गेट में एक अच्छा रैंक अचीव कर लिया है तो। सो यहां पर एक ऑप्शन होता है आपका पीएसयूज, डायरेक्ट आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकते हैं। एक ऑप्शन होता है आप एमटेक कर सकते हैं रेप्यूटेड आईआईटी से। एक ऑप्शन और होता है आपका जो पीएसयूज है, मैं पहले उन पीएसयूज की बात किया था यहां पर जो कि डायरेक्ट गेट के रैंक पे सिलेक्शन करते हैं। अगर आपने गेट में अच्छा रैंक ले लिया तो वो सिलेक्शन कर लेते हैं आपका, ठीक है ना। आपको इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरना होता है लेकिन उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है आपका, ठीक है। एमटेक की बात किया, एमटेक भी गेट के रैंक अगर आपने अच्छा अचीव कर लिया तो फिर से आपको इंटरव्यू देना होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं एक और टाइप के गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूं यहां पर, लाइक इसरो, लाइक डीआरडीओ, ठीक है। इन सभी में भी, इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, ये एग्जांपल है जस्ट, इनके अपने अलग से एग्जाम्स होते हैं और इन एग्जाम्स को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद इंटरव्यू बाद आपकी यहां भी जॉब की अच्छी चांसेस हैं। तो मैं इसे गेट के साथ क्यों जोड़ रहा हूं? गेट के साथ इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि जो इनका जो सिलेबस होता है ऑलमोस्ट वो गेट जैसा ही होता है। अगर आपने गेट की स्टडी बहुत अच्छे से की है तो इन एग्जाम्स को क्रैक करने में आपको जरा भी डिफिकल्टी नहीं होगी, ओके। तो ये भी कैरियर ऑप्शन गेट की स्टडी करने के पास आपके पास होते हैं, ठीक है। एक और कैरियर ऑप्शन जो जनरेट होता है वो होता है कॉलेज लेक्चरर, गवर्नमेंट कॉलेज लेक्चरर एंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर, ओके। तो इसमें क्या है आपका लेक्चरर जॉब में क्या होता है आपका, आजकल हर स्टेट में जो पीएससी होते हैं, लाइक राजस्थान पीएससी, लाइक एमपी पीएससी, इन सभी में क्या होता है कि वो आपके लिए एग्जाम कंडक्ट करते हैं फॉर गवर्नमेंट कॉलेज रिक्रूटमेंट लेक्चरर जॉब, ओके। सो इसमें होता क्या है, अगर वो एग्जाम कंडक्ट करेंगे तो वो कंप्लीटली गेट का सिलेबस फॉलो करेंगे, और अगर वो एग्जाम कंडक्ट नहीं करेंगे तो वो गेट के रैंक पे आपको कॉल करते हैं। तो इनमें भी आपका अच्छा कैरियर ऑप्शन होता है। अगर आप टीचिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेटर कैरियर ऑप्शन है, बहुत अच्छी सैलरी होती है इसमें भी, ओके। तो इन सभी के लिए ही आपको क्या चाहिए, गेट एग्जाम क्लियर चाहिए बहुत अच्छे रैंक के साथ, ओके। सो ये आपके कैरियर ऑप्शंस होते हैं गेट के करस्पॉन्डिंग। नाउ अब अगर मैं बात करूं रैंक, कितना रैंक आना चाहिए आपका गेट में जिससे कि आप एक अच्छा कैरियर अचीव कर सके। सो अगर मैं बात करूं, अगर किसी बंदे का रैंक 100 के अंदर आता है, अंडर 100, तो चाहे वो किसी भी ब्रांच का हो, बहुत अच्छी चांसेस हैं कि वो टॉप के आईआईटी में टॉप की ब्रांच अचीव कर सकता है या वो पीएसयूज में डायरेक्टली एंटर कर सकता है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में वो डायरेक्टली एंटर कर सकता है। नो डाउट इंटरव्यू से देना होगा, बट बहुत ब्राइट चांसेस होती हैं कि वो एक अच्छा कैरियर ऑप्शन अचीव कर लेगा अगर उसका रैंक जो है वो अंडर 100 है तो, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसी स्टूडेंट का रैंक अगर 100 से लेकर आपका 250 तक है तो भी बहुत अच्छी चांसेस है कि वो टॉप के आईटीज में टॉप की ब्रांच अचीव करेगा या वो किसी पीएसयूज में डायरेक्ट एंटर कर जाएगा। बट यहां पर एक कंडीशन है कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाना चाहिए। अगर आप टॉप
चीज अचीव करना चाहते हैं इस रैंक पे, तो आपका इंटरव्यू में आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना ही होगा. ओके, नाउ अगर मैं बात करता हूं, आपका रैंक अगर 250 से लेकर 500 तक जाता है, तो यहां पर पीएसयू की चांसेस बहुत सारी ब्रांचेस में थोड़ी कम हो जाती हैं, बट जो गुड आईआईटी में आप एक अच्छी ब्रांच अभी भी अचीव कर सकते हैं, या मीडियम लेवल की ब्रांच अभी भी आप अचीव कर सकते हैं विद गुड इंटरव्यू. अगर आप इंटरव्यू में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देते हैं, तो बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत अच्छी ब्रांच भी अचीव कर जाएं. अदरवाइज सेकेंड या थर्ड नंबर की ब्रांच तो आप अचीव कर ही जाएंगे एक रेप्यूटेड आईआईटी में. ओके, लेकिन अगर आपका रैंक 500 से अबव आता है, ओके, तो आप कह सकते हैं कि यहां पर आपकी फाइट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. मैक्सिमम आप 800 तक फिर भी कुछ कोई ना कोई मीडियम ब्रांच किसी टॉप के आईआईटी में अचीव कर लेंगे, लेकिन उसके बाद आपको फिर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा. फिर आपको या तो अपने कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आईआईटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या तो फिर आपको ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. एक्सीलेंट इंटरव्यू देने के बाद भी आपकी बात नहीं बनेगी. एक बात मैं फिर से हाईलाइट करूंगा कि जो कंडीशन नंबर 3 है, उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको टॉप की ब्रांच मिल ही जाएगी. बट इसमें क्या पॉइंट है, अगर आपका इंटरव्यू बहुत एक्सीलेंट जाता है, तो आप फिर भी एक चांस बनती है कि आप अचीव कर लें. लेकिन फोर्थ नंबर के केस में बहुत टफ होगा आपके लिए टॉप के आईआईटी में टॉप की ब्रांच अचीव कर पाना. ठीक है, आपको कॉल ही नहीं आएगी एक्चुअल में. ठीक है, लेकिन फिर भी आप मीडियम लेवल ब्रांच पे फोकस रख सकते हैं अप टू 800 रैंक तक, या आप आईआईटी से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं. ओके, और आप टॉप के एनआईटीज की तरफ भी जा सकते हैं. पर अगर आप जॉब की बात करें, तो मैक्सिमम चांसेस जो है वो 1 or 2 केसेस में ही है डायरेक्ट जॉब की, अगर आप बात करें आफ्टर गुड इंटरव्यू. ओके, जो मैंने ये रैंक एनालिसिस आपको दिया है, ये सभी ब्रांचों का एवरेज है. ओके, किसी ब्रांच में हो सकता है प्लस माइनस 100 चला जाए रैंक आपका, किसी ब्रांच में आप 1000 तक भी बहुत अच्छा अचीव कर ले, किसी ब्रांच में आप 500 के बाद कुछ भी अचीव ना कर पाए. ओके, और एक पॉइंट और है जो मैंने यहां पर एनालिसिस आपको दिया है, ये मैंने एक अच्छे कैरियर ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग दिया है. ठीक है ना, अगर आप बात करें कि आपको सिर्फ एमटेक करना है, आप कहीं से भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 5000 10000 रैंक में भी कर पाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है ना, अगर आप बात करें कि सिर्फ आपको टॉप के पीएसयूज में ही जाना है, तो फिर आपको मे बी शायद अंडर 20 रैंक ही लाना होगा. ठीक है ना, बट मैंने एक ओवरऑल एक अच्छा कैरियर जहां पर आपको मिल सकता है सभी ब्रांचेस के लिए ऑन एन एवरेज, ये 4 conditions फिर भी आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, कोई ना कोई एक कंडीशन. 1 or 2 सेटिस्फाई होती है तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे, बट 3 and 4 में आपको स्ट्रगल बहुत ज्यादा है. और 4 में भी मैं मैक्सिमम रैंक जो लेके चल रहा हूं वो 800 लेके चल रहा हूं. ठीक है ना, तो ये होता है आपका ओवरऑल गेट का एनालिसिस. इनके जो पर्टिकुलर जो पॉइंट्स के एनालिसिस हैं, लाइक रैंक किस ब्रांच में कितनी होनी चाहिए, इनकी मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा. कितना कट ऑफ किस जॉब में जाता है, इनकी भी अलग से वीडियोस बनाऊंगा मैं. सेम वैसे ही जो आपका थर्ड पॉइंट था, लाइक कैरियर ऑप्शंस, इनकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए. ओके, मैंने जस्ट आपको ब्रीफिंग दी है, क्योंकि मैं यहां पर मेरा जो मेन मोटिव है वो है कंपैरिजन विद आईएएस. आपको गेट चूज करना चाहिए कि आईएएस चूज करना चाहिए. तो अगर मैं गेट को यहां पर कंक्लूड करूं, तो जो बच्चा बहुत शार्प है, जिसका लॉजिकल माइंड अच्छा है, ठीक है ना, जो बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर सकता है, या जिसको न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है, उसे गेट की तरफ जाना चाहिए. ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि जो बच्चा न्यूमेरिकल अभी स्लो सॉल्व करता है वो गेट की तरफ नहीं जा सकता. उसे उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी और अपने अंदर वो क्वालिटीज बिल्ड करनी होंगी. ठीक है ना, तो वो भी गेट क्रैक कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर आपको चूज करना हो गेट और आईएएस में, तो गेट के जो क्राइटेरियाज हैं वो यही है कि आप कितने आपके पास स्पीड है, कितना आप लॉजिकली सोच सकते हो. ठीक है ना, अगर अब मैं आईईएस की बात करूं यहां पर, तो आईईएस में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, अगेन फिर से वही है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है आपका. अगर मैं इसे ब्रीफ में डिस्कस करूं एग्जाम पैटर्न, ओके, तो यहां पर आपके 3 स्टेजेस होते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट यही है, 3 स्टेज होते हैं आपके. So, ये बहुत लॉन्ग पैटर्न हो गया आपका, लॉन्ग प्रोसीजर हो गया. ठीक है ना, फर्स्ट स्टेज में आपका कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव होता है,
सेकेंड स्टेज जो होता है आपका कंप्लीटली सब्जेक्टिव होता है, और थर्ड स्टेज जो होता है वो होता है इंटरव्यू. ओके, जब आप फर्स्ट स्टेज को क्लियर करते हैं तभी आप सेकेंड स्टेज में एंटर करते हैं, जब आप सेकेंड स्टेज को क्लियर करते हैं तभी आप थर्ड स्टेज में एंटर करते हैं. ओके, तो जहां गेट में सिर्फ एक ही एग्जाम होता था वहां यहां पर आपके थ्री थ्री स्टेजेस हैं जो आपको क्रॉस करने होंगे. ओके, तो ये लेंथी प्रोसेस है एक. नाउ फर्स्ट स्टेज के भी आपके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका 200 मार्क्स का जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होता है, एप्टीट्यूड एंड जनरल स्टडीज. ओके, जो आपका सेकेंड पार्ट होता है इसका 300 मार्क्स का वो होता है आपका प्योर टेक्निकल, या आपका टेक्निकल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, अगर मैं बात करूं सब्जेक्टिव के तो यहां पर भी आपके दो पार्ट्स हैं, एक है आपका 300 मार्क्स का फर्स्ट टेक्निकल एंड सेकेंड है आपका 300 मार्क्स का सेकेंड टेक्निकल पेपर. सो अगेन यहां पर दो पार्ट्स हैं, लेकिन यहां पर दोनों ही आपके सब्जेक्टिव हैं और दोनों ही आपके टेक्निकल हैं. ओके, एंड लास्ट स्टेज जो होता है आपका वो इंटरव्यू होता है, अगर आप फर्स्ट और सेकेंड स्टेज क्लियर कर जाए तो. ओके, नाउ यहां पर अगर मैं गेट से कंपेयर करूं इस पैटर्न को, तो यहां पर आप देख सकते हैं थ्री स्टेजेस हैं, नो डाउट अबाउट दैट. बट आप इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं कि आपके पास तीन मौके हैं. सपोज करिए अगर आपने ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया लेकिन आप क्वालिफाई कर गए, तो आपके पास मौका है कि आप सब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर जाए. सपोज करिए आपने सब्जेक्टिव में भी मीडियम स्कोर किया बट आप क्वालिफाई किए हैं, तो आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाइए. मेनली यहां पर तीनों के तीनों मार्क्स आपके ऐड होते हैं, तीनों के तीनों स्टेज के. ठीक है, अगर आप क्वालिफाई करते जाएं तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, एक एडवांटेज क्या हो गया, कि आपके पास मौके जो है वो एक से ज्यादा है. जबकि गेट में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम होता था 3 आवर्स का, उसमें अगर आपने एक्सीलेंट परफॉर्म नहीं किया तो आपका रैंक नहीं आएगा. ठीक है ना, लेकिन यहां पर आईएएस में आपके पास तीन तीन मौके होते हैं अपने मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए. ओके, एक और पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको गेट में बताया था कि गेट में जो कैलकुलेशन होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, लॉजिकली आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है और टाइम जो होता है बहुत कम होता है ये सब करने के लिए. लेकिन ईएस में जो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव में वो आपके थ्योरिकल होते हैं. ठीक है ना, और अगर आपके कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते भी हैं तो वो आपके इस तरह से आते हैं कि जस्ट वो फॉर्मूला बेस्ड होंगे आपके. और आप यहां से भी एक चीज सोच सकते हैं कि गेट में आपका कैलकुलेटर अलाउड होता है, ऑनलाइन कैलसी होता है बट अलाउड होता है, लेकिन आईएएस के ऑब्जेक्टिव में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता. इसका मतलब कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं. ठीक है ना, और जो थ्योरी क्वेश्चन आते हैं वो भी इस तरह से आते हैं कि अगर आपको आपने वाइड रेंज ऑफ स्टडी की है, आपको पता है, तो आप बहुत आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो जो आईएएस में जो मेनली चाहिए आपको वो ये चाहिए कि आपने वाइड रेंज ऑफ स्टडी की हो, आपने बहुत सारी बुक्स की, बहुत सारी थ्योरी पढ़ी हो. ठीक है ना, हर एक सब्जेक्ट की एक स्टैंडर्ड बुक होती है, अगर आप उसको अच्छे से रिफर करते हैं, उसकी थ्योरी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं और आप बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं तो आईएएस में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है. ठीक है ना, सब्जेक्टिव एग्जाम में भी अगर आप बात करें, अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स के स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लेते हैं, तो सब्जेक्टिव एग्जाम में भी एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, क्योंकि क्वेश्चन आपके पैटर्न्स या क्वेश्चन के टाइप्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं एवरी ईयर. ठीक है ना, आपके पास मौका रहता है सब्जेक्टिव एग्जाम में कि आप एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में सॉल्व करके दिखा सकते हैं. इससे क्या फायदा होता है, सपोज करिए आपका 80% सही है तो आपकी स्टेप मार्किंग हो जाएगी, लेकिन गेट में अगर आपका 80% सही है तो आपके मार्क्स फिर भी जीरो ही होंगे. ठीक है ना, क्योंकि आपको वहां पर फाइनल आंसर लिखना होता है. तो यहां पर एक और एडवांटेज है आपका. ठीक है ना, और अगर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, बोलने में अच्छे हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो इंटरव्यू में इतनी प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं. ठीक है ना, तो यहां पर आपके पास तीन तीन मौके हैं जिसपे आप अपना मार्क्स इंप्रूव कर ही सकते हैं. तो ये एक एडवांटेज है. एक डिसएडवांटेज क्या है कि यहां पर आपको थ्री थ्री स्टेज क्रॉस करने होंगे. ठीक है ना, तो एक लेंथी प्रोसेस है, जबकि गेट में सिर्फ एक एग्जाम दिया, बहुत अच्छा चला गया, आपका हो गया. ओके, तो ये आपको क्लियर रखना है पॉइंट. नाउ अगर मैं बात करूं यहां पर प्रिपरेशन की, तो जैसा मैंने कहा आपको लास्ट स्लाइड में कि जो क्वेश्चंस के लेवल रहते हैं वो बहुत ज्यादा टफ नहीं होते. ठीक है ना, तो यहां आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फॉर्मूला बेस ही होते हैं.
आप उसको बिना प्रैक्टिस के भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला पता है। मेन थिंग क्या है यहां पर, आपको हर एक स्टैंडर्ड बुक की थ्योरीज आपको पढ़ने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपकी थ्योरी पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो सिलेबस है, जैसे मैंने कहा था गेट में आपका 8 to 10 टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, यहां पर आपके अप्रोक्स 12 टेक्निकल सब्जेक्ट्स होंगे, ओके। उसके बाद आपके स्टार्टिंग के भी 10 पॉइंट्स हैं जो आपके जनरल स्टडीज एंड एप्टीट्यूड्स में से हैं, ओके। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके बहुत ज्यादा लेंदी हो जाते हैं पढ़ने के लिए, सिलेबस आपका बहुत ज्यादा है आईएएस में एज कंपेयर टू गेट, ओके। सो अगर आप सिलेबस वाइज कंपेयर करें तो गेट बहुत इजी है क्योंकि वहां आपको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन की डिफिकल्टी वाइज कंपेयर करें तो आईएएस बहुत इजी है, ठीक है ना। तो आपको वो सेल्फ चूज करना है कि आप क्या बहुत लॉन्ग सिटिंग दे सकते हो, बहुत ज्यादा स्टडी कर सकते हो, आप बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ सकते हो, आप बुक्स रिफर करना पसंद करते हो कि नहीं करते हो, कि डायरेक्टली आपको नोट से कंसेप्ट पढ़ के न्यूमेरिकल सॉल्व करना ज्यादा पसंद है। तो इस तरह से आपको चूज करना पड़ेगा गेट वर्सेस आईएएस में। वन मोर पॉइंट, आपकी आईएएस की प्रिपरेशन में आपको लास्ट 10 to 15 ईयर्स के जो आईएएस के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस आपको करना होता है, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चंस, ओके। ये अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, ठीक है, अप्रोक्स आप बोल सकते हो 10 ईयर्स के, सो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इससे आपको क्वेश्चन के टाइप्स पता चलते हैं, और आईएएस में जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो क्वेश्चन के टाइप रहते हैं 30 to 40% वो लास्ट 10 ईयर से आपको मिल जाएंगे, वो रिपीट होते हैं। मैं नहीं बोल रहा कि एग्जैक्ट वैल्यूज रिपीट होंगी, कुछ हो भी सकती है एग्जैक्ट वैल्यूज, बट आपके जो टाइप्स होते हैं वो आपके रिपीट होते हैं। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है अगर आप लास्ट 10 to 12 ईयर्स के पेपर सॉल्व कर ले आईएएस के लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आईएएस की प्रिपरेशन के लिए, ओके। बट जहां तक सवाल है स्टडी का, तो अगर आप लॉन्ग स्टडी करने के लिए रेडी हो, अगर आप बहुत ज्यादा स्टडी करना पसंद करते हो, आपको न्यूमेरिकल ज्यादा सॉल्व करना पसंद नहीं है, तो आपके लिए आईएएस बहुत ही बेटर ऑप्शन है, ओके। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन के टाइम में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना ज्यादा पसंद है, आपको ज्यादा थ्योरी पढ़ना पसंद नहीं है, तो गेट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, ओके। नाउ अगर मैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाऊं जो कि है कैरियर ऑप्शन, तो कैरियर ऑप्शन में अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आपके पास आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लेने के बाद जो आईएएस की जो ऑप्शन है सिर्फ वही होते हैं आपके पास, लाइक रेलवेज, ओके। मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं आपके लिए, ओके, लाइक रेलवेज स्टोर, ओके, लाइक डिफेंस, लाइक सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग, लाइक टेलीकॉम, ओके। सो जो आपके और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो जो आपके जो आईएएस के जो डिपार्टमेंट्स हैं आप उन्हीं में ही केवल जा सकते हो, ओके। सो ये कैरियर ऑप्शंस आपका, आप बोलेंगे गेट के करस्पॉन्डिंग तो लिमिटेड है, ठीक है ना, नंबर ऑफ सीट्स भी यहां लिमिटेड होती है, जो मैं अगली स्लाइड में डिस्कस करूंगा। तो बट यहां पर इसके अलावा जो एक मेजर ऑप्शन खुलकर आता है आपके लिए आईएएस क्लियर कर लेने के बाद, आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो, ठीक है ना, आप प्राइवेट कोचिंग्स दे सकते हो, ये भी एक ऑप्शन होता है। अगर आपका किसी एक डिपार्टमेंट में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, ओके। बट जो मेजर ऑप्शंस हैं, अगर आप आईएएस ऑफिसर ही बनना चाहते हो, जो कि किसी का भी ड्रीम हो सकता है, तो आपके पास मेजर ऑप्शंस जो आईएएस के डिपार्टमेंट्स हैं वो वही होते हैं बस, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके कम होते हैं, तो अगर मैं इस तरह से कंपेयर करूं तो गेट में आपके नंबर ऑफ ऑप्शन बहुत ज्यादा होते थे, आप एमटेक भी कर सकते थे, आप पीएसयूज में जा सकते थे, ओके, आप कॉलेज लेक्चरर की तरफ जा सकते हो, बट आईएएस में सिर्फ इतने ही ऑप्शंस होते हैं आपके पास, 8 to 10 डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन्हीं में से ही कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना होता है, या तो वो आपकी रैंक पे डिपेंड करेगा कि आपकी रैंक कितनी आई है, ठीक है। तो ऑप्शंस वाइज लिमिटेड है, बट अगेन हमें ऑप्शंस पे नहीं जाना है। सपोज करिए आपसे कोई चीज अगर हो ही नहीं सकती है, आपसे कोई एग्जाम अगर क्लियर नहीं हो सकता है, लेकिन अगर उसमें ऑप्शन बहुत ज्यादा है तो उस पर जाने का भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप किसी चीज में अगर बहुत अच्छे हो, आप थ्योरी पढ़ने में बहुत अच्छे हो, आप जानते हो आप बेस्ट हो,
आप बहुत अच्छा कर सकते हो, तो उसमें अगर ऑप्शन लिमिटेड भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस लिमिटेड ऑप्शन में भी अचीव कर सकते हो। तो वो आपको समझना है कि आप किस चीज में बेटर हो, क्या आप थ्योरी पढ़ने में ज्यादा अच्छे हो, आप फॉर्मुला बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ज्यादा अच्छे हो, कि आपका लॉजिकल माइंड है, आप टफ टफ न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ज्यादा अच्छे हो, आपको थ्योरी पढ़ना ज्यादा पसंद नहीं है। तो उस तरह से आपको डिसाइड करना होगा, ना कि कितने ऑप्शंस किस में हैं वो देख के डिसाइड करना होगा। ठीक है, अगर आप वो देख के डिसाइड करोगे तो आप कभी सक्सेस अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ये बात समझना है कि आप किस चीज में अच्छे हो। आप जिस चीज में अच्छे नहीं हो उसमें आप कभी अच्छा रैंक नहीं ला सकते, लेकिन आप जिस चीज में बेस्ट हो उसमें आप हमेशा अच्छा रैंक अचीव कर सकते हो, चाहे ऑप्शन कितने ही लिमिटेड क्यों ना हो। लेकिन हाँ, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो दोनों में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, फर्स्ट टाइम में ही परफॉर्म करते हैं, तो वो आपकी कैपेबिलिटी है। अपनी कैपेबिलिटी को पहचानते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। और एक और पॉइंट है, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा स्टूडेंट क्या कर रहा है, हम किस चीज में अच्छे हैं हमें सिर्फ उसी चीज में आगे बढ़ना चाहिए। ओके, अब अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करूं यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज और नंबर ऑफ सीट्स की, तो यहां पर जो एवरेज, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल की, अगर मैं बात करता हूं तो पर ईयर जो आपकी एवरेज होती है, अगर लास्ट 10 ईयर का मैं एवरेज लूं तो आपकी एवरेज होती है वो 80 to 150, इसी रेंज में आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज आती हैं। ओके, अगर आप गेट के कंपैरिजन में देखें तो ये बहुत ही कम है, ठीक है ना। गेट में आप 500 तक भी लाकर, अगर आपका ऑप्शंस एमटेक भी हो सकता है और जॉब भी हो सकता है, तो आप 500, 600, 700 अप टू 1000 तक लाके भी आप अचीव कर सकते हो, लेकिन यहां पर सिर्फ 80 टू 150 सीट्स ही होती है। ओके, किसी साल 80 होंगी, किसी साल 100 होंगी, किसी साल 150 होंगी, तो आपको उसी के अंडर रैंक लाना होगा, और उसमें भी आपको बहुत अच्छा रैंक लाना होगा, क्योंकि जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें भी अगर आपको अपना चॉइस का डिपार्टमेंट चाहिए तो आपको ऊपर की रैंक लानी होगी। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल में जो आपकी रेंज होती है वो 100 टू 150 जाती है, इतनी सीट्स आपकी हर साल मैकेनिकल में आती है। अगर मैं बात करता हूं सिविल की, तो सिविल में सीट ज्यादा होती है, 200 टू 250 की रेंज में होती है। ओके, सो सिविल में आपके पास फिर भी ज्यादा ऑप्शन है, लेकिन एज कंपेयर टू गेट वैकेंसीज आर टू लेस। ओके, नो डाउट अबाउट दैट, बट जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बोला, कुछ देर पहले बोला, कि सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चूज करना है, कि आपको दोनों चूज करना है। तो आपके पास फिर से वीडियो को एंड करते समय मैं यही बोलूंगा कि हमारे पास तीन ऑप्शन है, हम लोग गेट की तरफ भी जा सकते हैं, आईएएस की तरफ भी जा सकते हैं, और गेट और आईएएस दोनों की तरफ भी जा सकते हैं। नाउ अगर आपको किसी भी टॉपिक में या किसी भी डिस्कशन में आपको कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में यहां पर लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे जो मैंने आज डिस्कस किया है, किसी भी ऑप्शन पे अगर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, लाइक नंबर ऑफ वैकेंसीज पे, कैरियर ऑप्शंस पे, आफ्टर गेट और आईएएस, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन अपने कैरियर से रिलेटेड, रिलेटेड टू आईएएस और गेट और पीएसयू, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, गुड बाय।